गाइस घुमा फिरा के बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा। आज हम बात करेंगे DSSSB के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में। गाइस स्टूडेंट की इतनी प्रॉब्लम है और कमेंट सेक्शन में भी इतने कमेंट है इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, इतने सारे डाउट है और मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलैक्सेशन के साथ यानी SC ST OBC PWD EWS कास्ट के साथ क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। जब मुझे कमेंट आए मैंने सोचा कहीं ना कहीं YouTube पर कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है, स्टूडेंट को कोई सही इंफॉर्मेशन या कोई सही गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। फिर मैंने जैसे YouTube पर 4-5 वीडियो देखी, मैंने देखा कि सारी वीडियो में इनके प्रॉब्लम है, कोई सही इंफॉर्मेशन या सही गाइडेंस नहीं दे रहा है। आज थारा भाई बिल्कुल पढ़ के आया है और बिल्कुल आपको भी पढ़ाएगा और बिल्कुल सही जानकारी देगा जो आपसे रिलेटेड है और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो ट्रुथ जानकारी है और आपको भी अच्छे से पढ़ाएगा। गाइज यहाँ पे हम बात करेंगे दो वैकेंसीज के बारे में, जो PRT की वैकेंसीज है और TGT की वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन अभी आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मैं PRT के बारे में बात करूंगा, कास्ट को लेके यहाँ पे सभी डिस्कशन किया जाएगा। हालांकि मैंने एक रिजर्वेशन पे वीडियो बनाई है, अगर आपको वो देखनी है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको उसमें भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। गाइज यहाँ पे PRT के लिए आपके पास 12th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी 12th आपने 50% नंबर के साथ कंप्लीट की हो तो आप इसमें एक लेवल से एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप ST SC कैटेगरी से है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका मतलब है अगर आपके 12th में 45% नंबर है तो आप पहला लेवल यहाँ पे गेन कर जाओगे, सेकेंड लेवल जो है वो आपका यहाँ पे डिप्लोमा है। गाइज यहाँ पे आपका 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा आपका ATA में हो या फिर JBT में हो या फिर DIET में हो या फिर BLED में हो या फिर आपका DLED में हो या फिर आपका BEd में हो, लेकिन BEd के लिए एक इंफॉर्मेशन है, BEd आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कंप्लीट डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करते टाइम आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट अटैच करना है तो आप क्या वहाँ पे अटैच करोगे, तो आपको पूरा कंप्लीट सर्टिफिकेट आपके हाथ में होनी चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पे CTAT का पेपर फर्स्ट आपके पास पास्ट होना चाहिए, पेपर टू की बात नहीं चल रही है, पेपर ओनली पेपर फर्स्ट यहाँ पे आपका पास होना चाहिए, पेपर फर्स्ट से ही आप यहाँ पे एलिजिबल हो। पेपर फर्स्ट में जनरल कैटेगरी के हो तो 90 नंबर। अब जनरल कैटेगरी में आएगा कौन? गाइस जनरल कैटेगरी में देखो यहाँ पे दिल्ली के जनरल है वो तो जनरल में ही आएंगे, अगर आप अदर स्टेट के हैं यूपी हरियाणा राजस्थान बिहार इन सभी स्टेट से है आप जनरल में आओगे। अगर आप OBC से हो, देखो अगर आप OBC से हो अदर स्टेट से ठीक है, तो भाई आप सब जनरल में ही आओगे, ठीक है। आपको अपना फॉर्म जनरल में ही भरना है और आपको CTAT में 90 नंबर होने चाहिए जब भी आप यहां पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, बिल्कुल क्लियर। अब बात करूंगा ST और SC और PWD और EWS के लिए, ठीक है, और यहां पे OBC के लिए, ठीक है। ये जो OBC है ये अदर स्टेट का OBC है जो दिल्ली में जनरल में काउंट किया जाएगा, उनको 90 नंबर चाहिए। अगर आप दिल्ली से हो और दिल्ली से ST SC PWD OBC EWS से हो, ठीक है, तो आपको यहां पे रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको ओनली 82 नंबर चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, 82 नंबर है तो आप यहां पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अब बात करेंगे अदर स्टेट की, अदर स्टेट के लिए यहां से OBC रिमूव कर दो और बाकी बची कास्ट SC ST PWD और EWS में भी सेम 82 नंबर चाहिए अदर स्टेट से भी। बिल्कुल यहां तक क्लियर हुआ कितने नंबर आपको कैसे चाहिए, ठीक है। एज में रिलैक्सेशन भी आपको ऐसे ही मिलेगा जैसे मैंने ये कास्ट बताई है, कास्ट का रिजर्वेशन बताया तो ऐसे ही आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, यहां तक क्लियर हुआ। लेकिन 10th क्लास में आपके पास हिंदी का सब्जेक्ट मैंडेटरी होना चाहिए, 10th में हिंदी है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तमिल तेलुगु नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करेंगे TGT के लिए। देखो TGT क्या होता है, यहाँ पे जूनियर लेवल की ये एग्जाम होते हैं और गाइस जूनियर लेवल के स्टूडेंट को यहाँ पढ़ाना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 45% जनरल वालों के होने चाहिए जब आप पहला लेवल गेन करते हो, ठीक है। देखो जनरल के लिए 45% मांगा है तो 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे ST SC वालों को भी मिलेगा, तो 40 नंबर ST SC वालों को यहाँ पे होने चाहिए तो वे भी एक लेवल गेन कर जाएंगे, यानी ST SC वालों के लिए यहाँ पे ST SC वालों के लिए 40% नंबर यहाँ पे है तो बिल्कुल एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसमें भी
टेंथ में आपकी हिंदी मंडेटरी है, हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, इसमें आपका सी टैट क्वालिफाइड होना चाहिए। यहाँ पे सी टैट में दो क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया आप सुनो कास्ट का, ये कास्ट का क्राइटेरिया क्या है, देखो अगर आप अदर स्टेट से यूपी राजस्थान कहीं से भी हो, अदर स्टेट के ओबीसी से हो तो आप जनरल में ही काउंट होगे, आपको फॉर्म फिल करते टाइम 90 नंबर चाहिएंगे मिनिमम क्वालिफाइंग, जो आप सी टैट का रहता है 90 नंबर आपको चाहिएंगे जब भी आप एलिजिबल हो। अगर आप अदर स्टेट के एससी एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो और ईडब्ल्यूएस हो, अदर स्टेट के प्लस दिल्ली स्टेट के आप यहाँ पे हो तो आपको दोनों को ही यहाँ पे 82 नंबर चाहिएंगे, लेकिन अगर आप दिल्ली के ओबीसी हो, ओनली दिल्ली के ओबीसी, उसमें भी आपको 82 नंबर चाहिए क्वालिफाइंग के लिए, यानी सी टैट में 82 नंबर आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे बात करूँगा जो टीजीटी है, ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होती है, यहाँ पे एक चीज रहती है नेचुरल साइंस की जो सभी स्टूडेंट को एक ही डाउट रहता है। देखो साइंस का आपके पास कुछ भी हो, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, साइंस से रिलेटेड आपके पास कैसी भी आपने डिग्री की है साइंस में, तो वो सारी नेचुरल साइंस में ही आती है, आप अपना फॉर्म नेचुरल साइंस में भर सकते हो। बाकी यहाँ पे इंग्लिश में भी है, सोशल साइंस में भी है, हिंदी में भी है, ऐसे यहाँ पे कैटेगरी जैसे मैंने बताया स्पेसिफिक कैटेगरी से होती है यहाँ पे, तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। गाइस फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू गाइस।